अगली खबर है यूपी के प्रतापगढ़ जिले से, जहां खंडेलवाल सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। जी हां, खबर है यूपी के प्रतापगढ़ जिले से, जहां खंडेलवाल सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सेवा समिति द्वारा नगर के किशोरी सदन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन माननीय जिला अधिकारी नितिन बंसल जी के द्वारा समिति के द्वारा चलाई जा रही है। इस मुहिम को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हमें नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए, ताकि रक्त के अभाव में किसी की जान ना जाए। विशिष्ट अतिथि के तौर पर क्षेत्राधिकारी अभय पांडे भी मौजूद रहे। शिविर में आज लगभग 5 रक्तवीरों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान किया गया। इस मौके पर संजय झालनी प्रभु जी, नितेश खंडेलवाल, तुषार खंडेलवाल, अरुण खंडेलवाल, प्रदीप खंडेलवाल, आलोक खंडेलवाल, विकास खंडेलवाल, पंकज खंडेलवाल, रोहित खंडेलवाल, श्री अर्पित खंडेलवाल, हरीश चंद खंडेलवाल, सुनीता झालानी, रेखा खंडेलवाल, अलका खंडेलवाल, प्रेमलता खंडेलवाल, ज्योसना खंडेलवाल, समिति के सदस्य आदि मौजूद रहे। देखे पवन कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। ये जो आपने आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आज पहली चीज बता दें, आज का जो खंडेलवाल सेवा समिति और महिला सेवा समिति द्वारा जो रक्तदान शिविर किया जा रहा है, ये प्रथम बार ये हमारे सहयोगी नितेश खंडेलवाल जी की धर्मपत्नी, जो कि कैंसर पीड़ित थी, वो हमारे बीच में नहीं रही, उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ये केवल खंडेलवाल समाज के ही काम आएगा ये खून जो भी जरूरतमंद होंगे इस शहर के या शहर के बाहर के, जो भी जरूरतमंद होंगे, हम उनके लिए ये सेवा भाव कर रहे हैं। लगभग कितने लोगों ने आज रक्तदान स्वेच्छा से किया है? अभी तक हमारे 21 रक्तदान दाता दान कर चुके हैं, और जहाँ तक हमारी उम्मीद है 50 के ऊपर जाने की पूरा प्रयास है।